हेलो दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है और इसमें मुख्य रूप से NIOS DLED जो 18 माह का कोर्स संचालित किया गया था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं माना गया है और अब NIOS DLED उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय द्वारा इसके पक्ष में फैसला दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत माना और उसको खारिज कर दिया। आइए विशेष रूप से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से 18 महीने का DLED पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि NIOS 18 माह का DLED डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट इस फैसले से NIOS से 18 माह का DLED डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। 18 माह का जो DLED डिप्लोमा धारक है वह नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। जस्टिस VR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह व अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। पीठ ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि NIOS से 18 माह का DLED डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट का यह कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर हैं। NCTE द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के स्थान पर इस आशय की 18 माह के डिप्लोमा पाठ्यक्रम कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष के डिप्लोमा को अनिवार्य योगदान माना गया था। यह टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने फैसला को रद्द कर दिया है। शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद DLED डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते, यानी कोई भी नई शिक्षक भर्ती जब भी शुरू होगी उसमें NIOS DLED से जो कोर्स किए हैं वह उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि उस समय भी जिस समय यह 17 से 19 में कोर्स चल रहा था इन सर्विस टीचर के लिए यह कोर्स था, यानी कि जो सिर्फ सर्विस को बचाने के लिए था, यानी कि अपनी नौकरी को बचाने के लिए यह कोर्स कराया गया था। लेकिन बाद में पटना उच्च न्यायालय द्वारा NIOS DLED के पक्ष में फैसला आया और उसको आधार मानकर दूसरे राज्य भी मांग करने लगे कि NIOS को वैलिड किया जाए। ठीक है दोस्तों, और इस तरह यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अंतिम तक सुप्रीम कोर्ट ने NIOS से DLED के हुए अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2 वर्ष का जो डिप्लोमा है वह 18 माह के DLED के बराबर नहीं हो सकता और अब नए भर्ती में NIOS DLED वाले शामिल नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, और यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जिस तरह BED को राजस्थान के मामले में पूरे देश में लागू करना पड़ा, शायद NIOS DLED का भी मामला उसी तरह है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो पूरे देश पर भी लागू हो सकता है या होगा भी। ठीक है दोस्तों, और आज की यह भी बड़ी खबर है पटना से कि बिहार के जो अतिथि शिक्षक है उनको अब हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब नए रूप से शिक्षकों की बहाली हो गई है, इसलिए अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने से पहले यह तय कर दिया गया था कि जब नए शिक्षक भर्ती से शिक्षक चुने जाएंगे उसके बाद अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाएगी। और इस प्रकार बिहार में चयनित 5,446 अतिथि शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई चल रही है और अब बहुत जल्द उन्हें हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनके स्थान पर या उनके विद्यालयों में अब नए शिक्षकों का आगमन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें
और शेयर भी करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, और CTET का भी आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वह एक्सटेंड करके 1 दिसंबर तक कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।